बुरा जितना पुराना होता है उतना ही खतरनाक होता है। इस हीरो को मैं दौड़ाऊंगा, घोड़ा भी हीरो बनेगा, पैसे भी वो लगाएगा। क्या बॉबी का हो जाएगा पत्ता साफ? कौन सी फिल्म में बॉबी नहीं कर सकेंगे काम? क्या है वजह बॉबी को मना करने की? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। 90 के दशक के सुपरस्टार बॉबी देओल काफी लंबे समय से फिल्मी चमक दमक से दूर थे, जिसके बाद उन्हें सलमान खान का साथ मिला और उन्हें साल 2018 में रेस 3 के साथ सिनेमाघरों में धमाकेदार वापसी करने का मौका मिला। फिल्म के लिए बॉबी देओल ने अपनी बॉडी पर काफी मेहनत की थी, जिसका उन्हें फायदा भी खूब मिला। भले ही रेस 3 बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई हो, लेकिन बॉबी देओल को लोगों की काफी तारीफें मिली। इसके बाद माना जाने लगा कि बॉबी देओल की सीट रेस सीरीज में पक्की हो गई है। भविष्य में जब भी इसकी अगली कड़ी आएगी, बॉबी देओल उसमें जरूर दिखाई देंगे। हालांकि ऐसा लग नहीं रहा है। अगर बॉलीवुड के गलियारों से सामने आ रही ताजा रिपोर्ट की माने तो रेस 3 के फ्लॉप होने के बाद इस सीरीज के मेकर्स सैफ अली खान के साथ रेस 4 बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। मेकर्स चाहते हैं कि रेस सीरीज जिस तड़के के लिए जानी जाती थी, रेस 4 में वो दर्शकों के सामने उसे पेश करें। अगर ऐसा होता है तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि रेस 3 के सभी कलाकारों का पत्ता रेस 4 से साफ हो जाएगा, जैसे ही सैफ अली खान दोबारा रेस सीरीज में एंट्री करेंगे। वैसी ही फिल्म की कहानी बुनी जाएगी और रेस 3 के कलाकारों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। रेस 4 का हाथ से निकलना बॉबी देओल के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा। रेस सीरीज ने उन्हें सालों बाद दर्शकों के बीच एक नई पहचान दी थी और अब वो उनसे छीनने वाली है। आपको बता दें, बॉबी देओल साल 2019 में अक्षय कुमार की बिग बजट फिल्म हाउसफुल 4 में भी दिखाई दिए थे। इस फिल्म में उनके साथ रितेश देशमुख, राणा दग्गुबाती, कृति खरबंदा, कृति सैनन और पूजा हेगड़े जैसे कलाकार भी दिखाई दिए थे। वैसे आपके अनुसार रेस 4 में सैफ की एंट्री होनी चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। और हाँ, आपके लिए एक खास चीज, अगर आप भी सिनेमा के साथ जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं।